जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। और मेरा आज का व्लॉग कांडला की मैं आपको शेयर करवाऊंगा। और इधर की एक बहुत ही फेवरेट और मशहूर सौगात है मनपसंद, और हम उसको टेस्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको शेयर करवाऊँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जी अभी हम जा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि कांडला की मशहूर सौगात माही पसंद। तो हम बाजार में एंटर हो चुके हैं, तो अभी चलते हैं माही वालों के पास। ये है जी माही चौक, कांडला वाला का माही चौक। अभी हम चलते हैं इधर आके स्वीट चेक भी करते हैं। हम आपको बताते हैं कि ये ऐसी है। ये हम चौक पहुंच चुके हैं माही स्वीट पे, और अंदर चलते हैं और जाके टेस्ट करते हैं। ये है जी कांडला की जो फेमस मनपसंद सौगात। तो हम इधर शॉप पे आए हैं, तो इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि मनपसंद ये शॉप कब से बनी हुई है। जी वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत। ऐसा हमें बताएंगे ये जो माही मनपसंद है, जी कब से बनी हुई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह 1949 से बनी हुई है। अच्छा, जी जी। आपकी ये जो मनपसंद है, मतलब देसी घी में सारी चीजें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सारी चीजें देसी घी में तैयार होती है। जितनी स्वीट्स हैं, बेकरी है, जितनी स्वीट पड़ी है, ये सारी देसी घी में तैयार होती है। अच्छा, और ये मतलब क्या रेट क्या है इसका? इसका 780 780 जी, 780 जी। अच्छा, ये देखिए जी, हम मनपसंद ले रहे हैं टेस्ट करने के लिए। तो अभी हम टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि मनपसंद की जो बातें सुनी हैं वो वाकई में इतना टेस्ट है। देसी घी में बनाते हैं जी, 1950 से ये शॉप है, और कांडला में एक ही शॉप है माही मनपसंद। जी जी, मैं अभी टेस्ट करता हूँ। वाकई में ये मनपसंद जो आप सब लोगों ने सुना हुआ कि ये बहुत मशहूर है, बहुत टेस्टी है, वाकई देसी घी में बनी हुई है। माशाल्लाह बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट है, जो इसका सुना है बिल्कुल वैसा ही है। आप लोग जरूर आए और आके आप एक बार लाजमी ट्राई करें, जो आप कांडला में आते हैं। ये कांडला की सबसे मशहूर सौगात है। ये जलेबी है जी शुगर फ्री, जो आजकल जो दूध जलेबी के शौकीन है ना, उन्होंने पता नहीं है कभी खाई है कि नहीं। ये दूध में डाल के खाते हैं, लेकिन ये शुगर फ्री है। आप इसको ट्राई करें, ज़्यादा मज़े की होती है।
अब हमारा मैच स्टार्ट होने लगा है तानला के साथ। तो ये 30-30 ओवर पे है मैच। तो पहले हमारी आई है फील्डिंग, लड़के सारे हमारे माशाल्लाह से वार्म अप हो रहे हैं तानला स्टेडियम में। आज हमारा मैच है जी जिमखाना क्लब तानला में, और फर्स्ट इनिंग्स ख़त्म हो गई है और इन्होंने हमें टारगेट दिया है 180-180 30 ओवर में। और ये हमारे बैट्समैन क्रीज पे आ चुके हैं ये सारे लड़के, टीम जिमखाना क्लब जो है रेडी फॉर प्लेइंग। और ये पहली इनिंग्स होगी, पहली बॉल बॉलर भागे तो स्टेडियम का व्यू चेक करवाता हूँ। ये यहाँ पे लाइट्स भी लगी हुई हैं, यहाँ पे डे एंड नाइट मैचेस भी होते हैं, तो बहुत अच्छा स्टेडियम है। अच्छा भाई, आप अपने क्लब के बारे में थोड़ा बताएंगे कि आपका क्लब का क्या नाम है? जिमखाना क्रिकेट क्लब तानले वाला, और हमारा क्लब जो है वो रजिस्टर्ड है, और अल्हम्दुलिल्लाह क्लब के काफ़ी अच्छे लड़के हैं, चल रहे हैं इंशाल्लाह। इस सीज़न अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दो लड़के हमारे दुबई में गए हैं माशाल्लाह, वो लोग खेल रहे हैं, हाफिज़ शाह नवाज है और शकील है लड़का, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छा चल रहा है। आपके तानला में टोटल कितने क्लब हैं रजिस्टर्ड हैं? रजिस्टर्ड इस दफ़ा इस टाइम 3 क्लब हैं, शारजा, सिटी गर्ल और जिमखाना। अच्छा, और हमारा क्लब जो है वो जिमखाना है। ठीक है, तो ये जो विकेट है स्टेडियम की, मतलब कि जैसे आज आपका मैच है तो इसको प्रिपेयर तैयार आपने खुद करना होता है या इसको मैनेजमेंट है जिन्होंने आगे इसको तैयार करना होता है? जी, ये फिलहाल तो जो है वो गवर्नमेंट किया सारा प्रॉपर्टी है, तो वो भी हमारे साथ जो है वो तामन करते हैं, और हम खुद भी क्लब के लड़के जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो मिलजुल के जो है वो क्रिकेट को तैयार करते हैं। मैच फीस वगैरह इसकी? जी जी, इसकी मैच फीस कितनी है? इसकी 4,000 एक मैच की फीस है। अच्छा, और जो प्रैक्टिस के लिए पिचें बनी हुई हैं वो मतलब अलग अलग होती है आपके क्लब की? जी जी, वो सबकी अलग अलग हैं, वो मिडल वाली जिमखाना की हमारी है, ये इधर वाली शारजा की है, वो एक साल का जो है वो उनका हमारे साथ एग्रीमेंट है। अच्छा, तो आपके ख्याल से तानला में क्रिकेट के हिसाब से अच्छा टैलेंट है या क्या? जी माशाल्लाह, फ्यूचर में इंशाल्लाह अच्छे लड़के हैं माशाल्लाह क्लब में। तो अंडर 16 के लास्ट वीक ट्रायल हुए थे, उसमें हमारे 4 लड़के सिलेक्ट हुए हैं जिमखाना। अच्छा, वेरी गुड। तो वो जो स्कूल लेवल की क्रिकेट है उसके हवाले से अच्छा चल रहा है। जी इंशाल्लाह। आप भी सपोर्ट करते हैं, जैसे कोई जूनियर क्रिकेटर होते हैं, कोई गरीब भी होता है, कोई अमीर भी होता है, सभी को इक्वल रखते हैं या इसमें कोई होता है? जी, हमारे क्लब के जो है वो फंड्स वगैरह होते हैं, लेकिन वो जो है वो हम खुद ही जो है वो अपनी मदद आपके तहत ही करते हैं। जो लड़के जूनियर हैं उनमें कुछ लड़के हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे सामान, तो वो हमने मिलकर उन्हें किट बैग वगैरह जो है वो स्पॉन्सर किए हैं, जो अच्छे खेलते हैं लड़के उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये है जी तानला का स्पोर्ट्स जिमनेजियम क्लब। इधर पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैडमिंटन का कोर्ट बना हुआ है और वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं बाहर, और इधर एक जिम भी बना हुआ है। लॉक है इनका, पता नहीं क्या टाइम है। इधर बास्केटबॉल भी है,